हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ मैग्नेट्रॉन। बेसिकली मैग्नेट्रॉन क्या होता है? मैग्नेट्रॉन भी हमारा एक हाई पावर माइक्रोवेव जनरेटर होता है। जनरली क्लिस्ट्रॉन, रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन, TWT, PWO, ये हमारे लीनियर बीम ट्यूब्स होते हैं, जिनको हम ओ ट्यूब या ओरिजिनल टाइप ट्यूब भी कहते हैं। ओ ट्यूब मीन्स ओरिजिनल टाइप। लेकिन जो नॉन लीनियर ट्यूब होते हैं, माइक्रोवेव ट्यूब, उनको क्रॉस फील्ड ट्यूब्स भी कहते हैं। क्रॉस फील्ड्स का मतलब क्या हो गया कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। इसको हम एम टाइप या मैग्नेट्रॉन भी कहते हैं। इसमें बेसिकली तीन टाइप के मैग्नेट्रॉन हैं, कैविटी टाइप मैग्नेट्रॉन, साइक्लोट्रॉन और नेगेटिव रेजिस्टेंस टाइप मैग्नेट्रॉन। तो हम देखते हैं कैविटी मैग्नेट्रॉन। कैविटी मैग्नेट्रॉन बेसिकली एक हाई पावर वैक्यूम ट्यूब है। इसमें मल्टी कैविटी होती है, जो कि जिसमें मल्टी कैविटी मीन्स 8 से 20 कैविटीज इसके अंदर होती है। इसकी फ्रीक्वेंसी वेरी करती है 0.6 GHz से 30 GHz तक। और एक ये फिक्स फ्रीक्वेंसी पर काम करती है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के समय इसकी बॉडी फिक्स हो जाती है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी फिक्स हो जाती है। इट वर्क्स विद इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद रोटेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रोटेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के इंटरैक्शन पर काम करता है। इट प्रोवाइड्स ऑसिलेशन ऑफ वेरी हाई पीक पावर। प्रोवाइड मतलब जो इसके आउटपुट होता है वो बहुत हाई पावर का होता है, इसका ऑसिलेशन हाई फ्रिक्वेंसी का होता है। इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में हम देखेंगे एनोड होता है, कैथोड होता है, RF इनपुट होता है, फिलामेंट होगा, सप्लाई होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये इसका इंटरनल सर्किट है, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ से ये जो लाइन है ये हमारे यहाँ पर RF इनपुट दिया जाता है इसके थ्रू। ये हमारे कैविटीज है, राइट, 8 कैविटी होंगी। ये हमारा फिलामेंट है, इससे हम यहाँ पर कैथोड को कनेक्ट करते हैं इस तरह से। तो ये हमारा कैथोड बन जाता है और ये हमारा एनोड बन जाएगा। जितने भी है ये हमारे एनोड है। तो ये इसका है इंटरनल स्ट्रक्चर। अब इसमें ये काम कैसे करता है? इसमें जब सप्लाई दी जाती है और सपोज इधर से इसमें इनपुट दिया जा रहा है, तब यहाँ से सपोज इनपुट दिया RF इनपुट, यहाँ से हमने RF इनपुट दिया, तो अगर यहाँ पर पॉजिटिव बनेगा तो यहाँ नेगेटिव बनेगा, यहाँ पॉजिटिव बनेगा, यहाँ नेगेटिव बनेगा, इसी तरह से यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, ये पूरा इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है। क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड होगा। सिमिलरली ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव साइड इसका डायरेक्शन होगा। और जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो इसके परपेंडिकुलर होती है। इस ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट मतलब स्क्रीन के सीधे परपेंडिकुलर होगी। इस तरह से इसमें आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो हमने बताया यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा पॉजिटिव से नेगेटिव साइड, और जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा इस तरह से हर जगह पर, राइट। ये हमारा जो है इलेक्ट्रोड है, कैथोड है, ये यहाँ पर यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं। जैसा कि हमने क्लिस्ट्रॉन में पढ़ा था, तीन तरीके के इलेक्ट्रॉन होंगे, रेडी इलेक्ट्रॉन, लेटरल इलेक्ट्रॉन, रेफरेंस इलेक्ट्रॉन और रेडी इलेक्ट्रॉन।
अब ये काम कैसे करता है, इसकी वर्किंग देखेंगे। अच्छा, कुछ चीज़ें और जान लेते हैं कि जब यहाँ पर जो भी एक केविटी से दूसरी केविटी में जो फेज डिफरेंस होगा वो 180 डिग्री का होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा पॉजिटिव से निकलेगी और नेगेटिव पर एंड होती है। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। और मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा कैथोड से एनोड की तरफ, जैसा कि हमने ऊपर दिखाया। अब अगर सपोज कि मैग्नेटिक फील्ड हमारी ज़ीरो है, अगर मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो होगी तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनका फ्लो जो होगा वो एक स्ट्रेट पाथ होगा, मतलब कैथोड से एनोड की तरफ एक सीधी लाइन में होगा, सीधे सीधे जाएंगे। लेकिन सपोज हमने मैग्नेटिक फील्ड को थोड़ा सा बढ़ाया, थोड़ा सा बढ़ाने क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स जनरेट होगा जिससे वो इलेक्ट्रॉन का पाथ थोड़ा सा डेविएट होगा। और वो फोर्स कैसा होगा, फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू वी वेलोसिटी इंटू बी मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर्स ऑन चार्ज बाई मैग्नेटिक फील्ड इज दिस। तो अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो उस पर कुछ ना कुछ फोर्स ये जनरेट लगेगा जिससे उसका पाथ डेविएट होगा। अब अगर हम इसका मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ा देते हैं, बहुत ज़्यादा कर देते हैं, तब क्या होगा, उस केस में जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे कैथोड से निकलेंगे वो वापस कैथोड में ही आके घुस जाएंगे। मतलब यहाँ पहले क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इधर को जा रहे थे, लेकिन जब हमने मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दी तो वो ऐसे इधर को जाके इसी में मिल जाएंगे, फिर इसी से निकल रहा है इसी में जाके मिल जाएगा। दैट मीन्स अगर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी तो लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो पास होंगे कैथोड से एनोड की तरफ। वी गेट मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम आरएफ इनपुट, जो भी हमने आरएफ इनपुट दे रखा है वहाँ से हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा तो वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी। जैसा हमने बताया कि यहाँ पर हमारे पास तीन तरह के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अर्ली इलेक्ट्रॉन, रेफरेंस इलेक्ट्रॉन और लेटरल इलेक्ट्रॉन। तो जैसा कि क्लेस्ट्रॉन में था, अर्ली इलेक्ट्रॉन हमारा केस वन होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा तो इनकी इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड कम होगी। फिर सेकेंड केस, जब हमने मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा बढ़ाया तो उनकी रेफरेंस इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड ज़्यादा होगी, लेटरल इलेक्ट्रॉन की स्पीड से भी ज़्यादा होगी। तो ये तीनों मिलके एक बंच बना लेंगे, हमारा ये बंच बना लेंगे। और लास्टली ऑल इलेक्ट्रॉन विल मेक अ बंच ड्यू टू वेलोसिटी मॉड्यूलेशन। और यही बंच हमारा जो होगा एक हाई पावर पीक के रूप में हमें मिलेगा एज आउटपुट। हमें आउटपुट कैसे मिलेगा, ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। जैसा मैंने बताया कि ये हमारा इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा पॉजिटिव से नेगेटिव साइड में, राइट। तो यहाँ पर एक कैपेसिटर क्रिएट हो जाएगा इन दोनों के बीच, ये पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव प्लेट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन गया ये। ये हो गया पॉजिटिव पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और ये हमारा बनाएगा तो एक इंडक्टर। तो ये अगर हम देखें तो एक ये सर्किट बन जाएगा एल और सी का। यहाँ पर एक ये इंडक्टर बन गया और ये कैपेसिटर। तो एल और सी जब पैरेलल में होते हैं तो उसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/2π अंडर रूट एल सी। तो ये हमारा होगा जो भी फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी उसका फॉर्मूला होगा। अब आते हैं एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन पे। एडवांटेज इसका ये है कि ये हाई पावर माइक्रोवेव जनरेटर है, जो भी माइक्रोवेव जनरेटर उसकी पावर बहुत ज़्यादा होती है। इसको एंटीना के साथ भी इंस्टॉल किया जा सकता है और एक ये इफेक्टिव डिवाइस है। डिसएडवांटेज में क्या है कि इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, इसको आप वाइड रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी के लिए ट्यून नहीं कर सकते, और इसका जो रेजोनेंस होगा वो उसकी
डायमेंशन पे डिपेंड करेगा, और डायमेंशन क्योंकि इसकी फिक्स है इसलिए इसका रेजोनेंस भी फिक्स होगा। एप्लीकेशन मैग्नेट्रॉन हमारे रडार में यूज़ किए जाते हैं, माइक्रोवेव जनरेशन जो कि बहुत सबसे इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है, और माइक्रोवेव ओवन में भी माइक्रो मैग्नेट्रॉन यूज़ किए जाते हैं। अब अगर इसमें आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन या पर्सनली भी पूछ सकते हैं।